जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे सभी पार्टियों के दिग्गजों के बोल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर की बात की जाए तो भोपाल से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने आतंकवाद को प्यार, तपस्या और बलिदान का प्रतीक बताया। वहीं दूसरी तस्वीर इंदौर से है, जहां प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने पीएम मोदी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पीएम मोदी की पत्नी बताने की कोशिश की है। वहीं तीसरी तस्वीर सीहोर से है, जहाँ भोपाल लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को आतंकी कहा है। वहीं चौथी तस्वीर की बात करें तो मुरैना से, जहां पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर को जहरीला सांप बताया। वहीं पांचवी और आखिरी तस्वीर सतना से है, जहां कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कुख्यात डकैत ददुआ को भगवान बताया है।